हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शैलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शैलेश फिट लाइफ। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कोविड-19। कोविड-19 के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या केयर लेना चाहिए। कोविड-19 सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया है दोस्तों कि मैं अभी अभी कोविड-19 से रिकवर हुआ हूँ, मेरी फैमिली भी इसमें से रिकवर हुई है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी एक्सपीरियंस अगले वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाए। कोविड-19 जैसे वायरस से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है, कौन से गवर्नमेंट सेफ्टी गाइडलाइन आपको फॉलो करना है, प्लस अगर किसी कारणवश आपको कोविड हो भी जाता है तो ना डरे हुए आपको क्वारंटीन पीरियड आपको कैसे फॉलो करना है। सो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहिए क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो दोस्तों, आपका और टाइम ना लेते हुए ये वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, कोरोना का मतलब होता है क्राउन, क्योंकि ये हुबहू क्राउन की तरह दिखता है। ये वायरस के सरफेस पर क्राउन की तरह स्पाइक की सीरीज बनी हुई होती है। इसका नाम लैटिन शब्द से मिला है, इसलिए इसे कोरोना कहा जाता है। ये वायरस आइडेंटिफाई हुआ फेब 2003 चाइना में, जिसे SARS-CoV-1 के नाम से जानते हैं। ये वायरस सीधा लंग्स पे इफेक्ट करता है, इसलिए इसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS-CoV-1 बोला जाता है। जून 2012 में सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में ये वायरस फिर से पाया गया, जिसका नाम MERS-CoV यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला गया। इसके बाद 2019 दिसंबर को चाइना में वुहान सिटी में आइडेंटिफाई हुआ। 2003 में इसका नाम SARS-CoV-1 रखा गया और 2019 में अभी SARS-CoV-2 ये नाम इसे रखा गया। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2। On Feb 2020, WHO renamed the disease as a coronavirus disease 2019. We now have a name for the disease, and it is COVID-19, and I will spell it COVID-19. CO stands for corona, you know, VI stands for virus, D for disease, so COVID.
आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई सभी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रहेगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।